हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे आज के DIY वीडियो में। आने वाले संडे को फादर्स डे है, तो क्यों ना हम हमारे पापा के लिए कुछ स्पेशल और क्विक गिफ्ट बनाएं। हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो पापा के लिए यूज़फुल भी होगा। आई नो कि फादर्स लॉकडाउन के कारण घर से काम कर रहे हैं, तो हम बनाएंगे उनके लिए कुछ डेस्क डेकोर। ये गिफ्ट्स बनाने के लिए हम घर ही में बनाएंगे चॉक पेंट। चॉक पेंट बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में, पेंट शॉप में या ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। अमेज़ॉन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम किसी प्लेट या बोल में 1 टीस्पून POP पाउडर ले लेंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून ब्लैक एक्रेलिक कलर मिलाएंगे। अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून पानी डालेंगे। इसे आप अच्छे से एक आइसक्रीम स्टिक या फिर डायरेक्ट ब्रश से भी मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रहें और ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। मार्केट में चॉक पेंट बहुत महंगे मिलते हैं, तो ये तरीका बहुत आसान है अपने घर ही में चॉक पेंट बनाने का। मैंने ये ब्लैक कलर का चॉक पेंट बनाया है, बट आपको चाहिए तो आप इसमें अपना मनचाहा कलर भी मिक्स करके उस कलर का चॉक पेंट बना सकते हैं और आपका चॉक पेंट रेडी है। अब हम कोई भी एक टिन या बॉटल लेंगे। मैंने ये मिल्क मेड का टिन लिया है और इस पे हम चॉक पेंट से पेंट कर देंगे। फर्स्ट कोट सूख जाने के बाद आप इस पे सेकेंड कोट करेंगे। आप चाहें तो ये पेंट ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इस पे आप एक कोट वार्निश का भी कर सकते हैं। बिना वार्निश के ये थोड़ा एक रफ़ लुक देता है, एग्जैक्टली चॉक पेंट वाला, और अगर वार्निश आप लगाएंगे तो थोड़ा सा शाइन या फिर स्मूदनेस आ जाएगी। पेंट सूख जाने के बाद मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया और थोड़े लेटर्स के स्टिकर्स थे वो लगाए और वाइट पेन से थोड़ा डेकोरेट कर दिया। हमारा DIY रेडी है। अब हम बनाएंगे ये मैसेज बोर्ड, हमारा सेकेंड DIY। इसके लिए मैंने एक छोटा वुडन पीस लिया, उसी पे मैंने वो चॉक पेंट भी लगाया और फिर वाइट पेन से ये कोट लिख दिया। मैंने इस पे वार्निश नहीं लगाया क्योंकि मुझे इस पे रफ़ लुक, वो स्लेट वाला लुक चाहिए था। हमारा सेकेंड DIY भी रेडी है। अब तीसरे DIY के लिए मैंने मेरे पास टेराकोटा के ये मग्स थे, उनको चॉक पेंट किया और उन पे भी कोट्स लिख दिए, तो ये बन जाएंगे हमारे पापा के डेस्क के लिए स्टेशनरी होल्डर्स। हमारा ये तीसरा DIY भी रेडी हो गया। हमारे सारे DIYs रेडी हो गए, तो अब चलिए हम पापा का डेस्क डेकोरेट करते हैं हमारे सारे DIYs यूज़ करके। कितना अच्छा लगेगा पापा को ऐसे डेस्क पे काम करके जिसमें आप अपने हाथों से उनके लिए कुछ बना के सजाएंगे। उन्हें अपना काम करने के लिए थोड़ा और जोश आ जाएगा। अब सारे DIYs के बाद एक फन टिप। जितना पेंट मैंने घोला था उसमें से लास्ट में जो बच गया था पेंट, वो मैंने एक प्लास्टिक लिड पे लगा दिया और उस पर थोड़ा वार्निश भी अप्लाई कर दिया। अब देखिए हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं।
आप इस पे चौक से लिख सकते हैं और लिखा हुआ मिटा भी सकते हैं। अब आप चाहें तो इस पे अपने डेली कोट्स लिख सकते हैं, डेली मेन्यू लिख सकते हैं, या फिर अपना कोई शेड्यूल लिख सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि अगर बार बार यूज़ करने से आपका ये पेंट ख़राब हो जाता है तो आप फिर से खुद पेंट बना के इसको पेंट भी कर सकते हैं, है ना मज़ेदार बात। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड में कुछ लाइनें जो मैंने मेरे पापा के 60th बर्थडे के लिए लिखी थी वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी। हमारी यादों में एक छवि है, छवि उस इंसान की जो हमारे ज़िंदगी के सफ़र की पहचान है, जिनके बिना हमारा हर कदम हर सफ़र अधूरा था, है और रहेगा। हमारे जीवन का पहला कदम, हमारा कहा हुआ पहला लफ्ज़, हमारी पहली हंसी, हमारा पहला आंसू, हमारा चलना, ठोकर खाना, ठोकर खाकर खड़े होना और फिर चलना, हमारी नाराज़गी, हमारी ज़िद, हमारी हर भूल, हमारा हर फैसला, हर सपना, हर मंजिल जिनके कर्ज़दार हैं वो हैं हमारे पापा, हमारे हीरो। अ वेरी 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 हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर। Thank you. Have a nice day. Bye-bye.